नमस्कार न्यूज इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं। आज के दिन 9 बड़ी खबरें होंगी जो आपकी टीवी स्क्रीन पर, 9 रिपोर्टर हमारे ग्राउंड जीरो से जो आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे। 9 रिपोर्टर हमारे कहां कहां से आई आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मेहुल झाला अहमदाबाद से होंगे जो वहां के चुनावी जनसभा से जुड़ी पूरी अपडेट देंगे। अभिनव पांडे लखनऊ से, राजीव तिवारी दिल्ली से लाइव होंगे, जसवीर सिंह पंजाब से लाइव जुड़ेंगे, तो वहीं हितेश त्यागी देहरादून से, अली शरर दिल्ली से लाइव जुड़ेंगे, कमल कुमार रांची से लाइव होंगे और एहजान अंसारी दिल्ली से लाइव होंगे, तो संजीव राय वैशाली से लाइव होंगे। 9 राज्यों से 9 रिपोर्टर जो आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे अगले आधे घंटे तक, और तमाम बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए, आज के दिन की पहली बड़ी खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात में आज होंगे, जहां पर कई बड़ी जनसभाएं और वहां पर विपक्ष के भी कई दिग्गज चेहरे आपको दिखाई दे सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का तीसरा दिन है। सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नौसारी में करेंगे जनसभा। सीएम योगी का भी आज गुजरात का दौरा होगा। सीएम योगी छोटा उदयपुर, खेड़ा और पोरबंदर में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात में बीजेपी मिशन रिपीट के तहत लगातार काम करने में लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में तो इस समय कमान संभाल रखी है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी, पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात के 3 दिनों के चुनावी दौरे का आज तीसरा दिन, आज उनके दौरे का काफी अहम पड़ाव भी है। सुरेंद्रनगर, जंबूसर, नौसारी में जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो देखना काफी अहम होगा कि माहौल कितना बनता है बीजेपी के पक्ष में। सीएम योगी छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सहयोगी अभिनव और मेहुल झाला लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। मेहुल, ताजा अपडेट क्या है? 2 दिग्गज चेहरे, सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस समय गुजरात में है। मेहुल, देखिए इसको राजनीति का सुपर मंडे की तरह देखा जाना चाहिए, क्योंकि ना केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, पीयूष गोयल से लेकर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और राहुल गांधी आज गुजरात में जनसभाओं को लगातार संबोधित करते आएंगे। राहुल गांधी की 2 जनसभाएं हैं, सूरत के मांडवी इलाके में और राजकोट में। वो वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जनसभा को संबोधित किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार का तीसरा दिन है और इस समय 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए, माहौल नहीं बन रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगा है, क्योंकि कुछ जनसभाओं में भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चिंतित थे। वजह यह भी हो सकती है कि मतदाता जो है अपना मन खुलकर बता नहीं पा रहे हैं कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, किसको वोट करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद राजभवन जाने की बजाय गांधीनगर कमलम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सीआर पाटिल के साथ बंद दरवाजे में एक बैठक की। तकरीबन 40 मिनट से ज्यादा उनकी बैठक चली और इसमें चुनावी रणनीति किस तरह से होनी चाहिए, भीड़ इकट्ठा नहीं हो पा रही है, मतदाता किस, उनका झुकाव किस तरह से, ये सारी जो चुनावी सहयोगी अभिनव भी इस समय जुड़े हुए हैं। अभिनव, हिमाचल में तो सीएम योगी ने जाकर बेहतर काम किया, लेकिन गुजरात में जहां पर 88% आबादी हिंदुओं की है, वहां पर भी काफी अहम रोल रहने वाला है सीएम योगी का। अभिनव, देखिए बिल्कुल मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात छोड़ दिया जाए तो हिंदुत्व का एक बड़ा फेस है, और जैसा कि गुजरात में एक बड़ी आबादी हिंदुत्व की रहती है, और यही नहीं बल्कि जो गोरखनाथ गौरक्षपीठ है उसका भी वहाँ पर अनुयायी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसी सूरत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक के रूप में ताबड़तोड़ उनका जो दौरा है वो गुजरात के लिए लगाया गया है। आज 11:40 पर वो लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से रवाना होंगे, उसके नौकेड़ा के अलावा जो है 3 जनसभाओं को जो है संबोधित करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि रात में 8 उनकी जो पोरबंदर में जो जनसभा है वो एक बहुत विशाल जनसभा है। इसके अलावा वो 2 मंदिरों का दर्शन भी करेंगे और देर रात 10 वापस जो है लखनऊ लौटेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो हर दिन जो है आज तीसरा दिन है उनका जो लगातार वो दौरा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जिस तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई है वो स्टार प्रचारक के रूप में, और उत्तर प्रदेश का जो रोल मॉडल
मॉडल है, चाहे वो बुलडोजर हो या यहाँ काम करने या जीरो टॉलरेंस है, इसको प्रमुखता से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रख रहे हैं अपनी जनसभाओं में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो वहां पर काम करने, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उत्तर प्रदेश का गुजरात में इस समय प्लान किया हुआ है, गुजरात में तमाम इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहां पर जो लोग वहां पर कार्यरत हैं उनको भी एक रोल मॉडल के तौर पर यहां से जो है देखकर वहां पर उनको जनसभा में जो है प्रेरित करेंगे, बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आने वाले समय में 3 और जो है वो जनसभाएं उनकी प्रस्तावित हैं, 3 दिन और उनको प्रस्तावित जनसभाओं में उनको जाना है। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जो दहाड़ है, अपनी जो हिंदुत्व का एक बड़ा देखिए अपने रोल में कितने फिट बैठेंगे और कितना माहौल बना पाएंगे, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया अभिनव मेहुल पूरी जानकारी के लिए। वहीं गुजरात में परिवर्तन के लिए आज राहुल गांधी हुंकार भरने वाले हैं। राहुल गांधी आज गुजरात में 2 चुनावी जनसभाएं करेंगे। सूरत और राजकोट में सभाएं करेंगे राहुल गांधी। 2017 में राहुल गांधी ने गुजरात में खूब जोर लगाया था और ऐसा नहीं है कांग्रेस ने कमाल नहीं किया था, 80 से ज्यादा सीटें कांग्रेस लेकर आई थी सन 2017 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार तस्वीरें थोड़ी अलग, क्योंकि 3 पार्टियां और आम आदमी पार्टी कितना नुकसान पहुंचाती और राहुल गांधी कितना माहौल बना पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा से बात चली थी और अब गुजरात में चुनावी माहौल बनाने में लगे हैं। राजीव तिवारी सहयोगी लाइव जुड़ गए। राजीव, ताजा अपडेट क्या है गुजरात के चुनावी दौरे को लेकर, जो राहुल गांधी आज वहां पर रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से क्या कुछ अलग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ अलग तस्वीरें, कुछ अलग माहौल बनाने की इन्होंने सोच अपनाई होगी? राजीव, बिल्कुल, तो राहुल गांधी को लग रहा है कि इस बार कांग्रेस अच्छा करेगी गुजरात में। यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच में वह आज जो है गुजरात में सूरत और राजकोट में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ मौजूद रहेंगे। आप देखिए 2017 में जब अशोक गहलोत जब वहां पे प्रभारी थे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस का, भले ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई, सरकार में नहीं आ पाई, लेकिन जो नतीजे आए बहुत अच्छा रहा। लगातार राहुल गांधी को लेकर उन्होंने चुनावी जनसभा किया और यही चुनाव इसी को लग रहा है जो कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं कि आज अशोक गहलोत और राहुल गांधी जो जनसभा को संबोधित करेंगे तो जनमानस को अपने फेवर में करने में वो लोग सफल रहेंगे। यही वजह है कि दोनों लोग जो है आज 2 जनसभा को संबोधित करेंगे साथ में और जनमानस से कांग्रेस पार्टी को जिताने की अपील करेंगे। जी शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। वही गुजरात चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस लिया। आज आम आदमी पार्टी के दिग्गज भी गुजरात में दम भरेंगे। केजरीवाल अमरेली में आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। बड़ी खबर, भगवंत मान वलसाड दतमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब मॉडल, दिल्ली मॉडल के दम पर हिमाचल में तो चुनाव हो गए, लेकिन अब बारी है गुजरात की कि कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जाए। हालांकि दावा तो है आम आदमी पार्टी का कि पहली बार जो पार्टी गुजरात के चुनावी मैदान में है वो यहां पर कमाल करने वाली है। गारंटी योजनाओं के दम पर, दिल्ली मॉडल के दम पर आम जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने में क्या अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, दिल्ली के डिप्टी सीएम, क्या ये दिग्गज चेहरे कामयाब हो पाए हैं और आने वाले दिनों में अभी कितना माहौल बना पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, ये चेहरे अब गुजरात के चुनावी मैदान में। तो आज सभी पार्टियों के दिग्गज चेहरे आपको गुजरात में दिखाई देंगे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, क्योंकि वक्त अब बहुत कम। केजरीवाल अमरेली में आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। गुजरात चुनाव 182 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का मिशन क्या है, कितनी सीटों पर जीत प्राप्त कर पाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तैयारियां कैसी। तो सहयोगी जसवीर सिंह और अजान अंसारी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। जसवीर, भगवंत मान पंजाब के सीएम इस समय गुजरात के चुनावी दौरे पर, पंजाब के विकास मॉडल को देखिए गुजरात में पेश तो कर रहे हैं, लेकिन एक अभी छोटा सा वक्त बीता है, लेकिन माहौल बनाने में कितना कामयाब हो पाएंगे और दौरा कितने दिन का है? सागर, यहाँ आपको बता दें कि जो भगवंत मान है वो स्टार कंपेनर माने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि पंजाब में उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया है जो चलिए लौट कराऊंगा। अजान,
अगर हम बात करें दिल्ली की तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो कमाल कर गई, लेकिन गुजरात के रास्ते क्या इतने आसान लगते हैं? आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का जो चुनावी दौरा है और तमाम दिग्गज भी देखिए सामने होंगे, तो किसके जनसभाओं में कितनी भीड़ जुटेगी ये भी एक बड़ी चुनौती है। अजान देखिए, बिल्कुल दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद अब जो टारगेट है कहीं ना कहीं वो गुजरात है। गुजरात को लेकर के आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल भी अरविंद केजरीवाल वहाँ पर रोड शो कर रहे थे, जिस दौरान भारी संख्या में बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहाँ पर जुटे। हालांकि आज भी वो जनसभा करेंगे, जब भगवंत मान भी वहाँ जाएंगे, तो इसका अगर देखा जाए तो गुजरात का जो चुनाव है वो बेहद ही अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 27 सालों से वहाँ पर सत्ता में है, ऐसे में वहाँ पर अगर आज की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कई बड़े नेता भी आज रैली करेंगे, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं भीड़ जुटाने माना जा रही है। और आम आदमी पार्टी की अगर दिल्ली में बात कर लें तो दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने मुफ्त बिजली से लेकर स्कूल के मॉडल पर सत्ता हासिल की है, उसके बाद पंजाब में उन्होंने सत्ता हासिल की, तो इसी की तर्ज पर गुजरात में आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है। क्या देखना यही होगा कि क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में वहाँ पर आ पाएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी को मात दे पाएगी, क्या 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड है क्या वो आम आदमी पार्टी तोड़ पाएगी। जसवीर आवाज मिल पा रही है क्या आपको? चलिए लौट कर आऊंगा। अजान बहुत बहुत शुक्रिया, जसवीर आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर, आफ्ताब उगले का अब श्रद्धा की मौत का सच। आफ्ताब का आज हो सकता है नार्को टेस्ट के लिए सवालों की लिस्ट भी तैयार की गई है। पुलिस को अब भी पुख्ता सबूतों की तलाश अभी जारी है। श्रद्धा मर्डर केस में अभी तक पुलिस को अलग ही कोई भी ठोस सबूत बरामद नहीं हुए। आरोपी आफ्ताब से सच उगलवाने के लिए पुलिस को नार्को टेस्ट से महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस आज आरोपी आफ्ताब पुनावाला नार्को एनालिसिस टेस्ट करवा सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 40 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। पुलिस ने सवालों की लिस्ट को तैयार करने के लिए एक्सपर्ट की मदद ली है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफ्ताब के लगातार बयान भी बदलने की वजह से उसका नार्को टेस्ट करना बेहद जरूरी हो गया है। पुलिस का ये भी मानना है कि आफ्ताब लगातार बयान बदल कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश में भी लगा हुआ है। हालांकि मेहरौली में जो तालाब था उस तालाब तक को खाली करवाया जा रहा है एमसीडी की मदद से, क्योंकि श्रद्धा के सिर की तलाश है पुलिस को। सहयोगी अली शरर पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। अली, ताजा अपडेट क्या है, जांच अभी कहां तक पहुंची? हालांकि बार बार यही सामने आ रहा है सच कि अभी जिस सबूत की तलाश है पुलिस को वो भी हाथ नहीं लग पाया है। अली देखिए, बिल्कुल सागर, देश का दिल्ली का सबसे चर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले में पूरे देश की नजर लगी हुई है। जिस तरह से मृतक श्रद्धा को इंसाफ मिले, जिसके लिए दिल्ली पुलिस लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए कई राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली में इसके अलावा हरियाणा के अलावा मुंबई में कई टीमें पुलिस की कल भी गई हुई थी, आज भी मौजूद है, तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रही है। कब से पहले इसने किसी और लड़की के साथ तो ऐसा नहीं किया है, इससे पहले कभी ऐसे और तो झगड़े नहीं हुए, तो तमाम पहलुओं पर जांच चलती है। अगर बात की जाए आज की, तो कोर्ट से दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की मंजूरी ली थी जो कि कल मंगलवार को समाप्त हो जाएगी। रिमांड के दौरान ही नार्को टेस्ट कराना है, तो आज पूरी तरह तैयारी कर ली जा रही है नार्को टेस्ट की, तो नार्को टेस्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार जो सवालों के जवाब बार बार बदल बदल के दे रहा है आरोपी आफ्ताब, वो सही है या नहीं है। इसके अलावा, क्योंकि उसने अब से 2 दिन पहले कहा था कि सर मैंने जंगल में फेंका था, उसके बाद बोला तालाब में फेंका था, तो तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। मंगलवार को कहा जा रहा है कि मंगलवार की सुबह या आज सोमवार की देर शाम तक दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट होना है आफ्ताब का। सागर, चलिए शुक्रिया अली, नजर बना रखिएगा बहुत बहुत पूरी जानकारी के लिए। वहीं आज उत्तराखंड कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सुबह 10:30 पर देहरादून में प्रदर्शन ये किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। धामी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताएगी कांग्रेस। परेड मैदान से सचिवालय तक घेराव किया जाएगा, कई मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगी कांग्रेस। धामी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज उत्तराखंड की सड़कों पर। परेड मैदान से सचिवालय तक घेराव किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, कई मुद्दों को लेकर आज आंदोलन करेगी कांग्रेस। उत्तराखंड कांग्रेस का विरोध, सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ ये विरोध, ये प्रदर्शन। उत्तराखंड में विकास की बयार की बात कही है बीजेपी, वो विकास बेहतर नहीं हो रहा यही कहना है कांग्रेस का। सहयोगी हितेश त्यागी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। हितेश, ताजा अपडेट क्या है प्रदर्शन को लेकर,
प्रदर्शन किन मुद्दों को लेकर और वजह क्या इसके पीछे? जी बिल्कुल, देखिए आज उत्तराखंड कांग्रेस का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विरोध में प्रदर्शन है। आज जो नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह उनके नेतृत्व में यह बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और स्वाभाविक सी बात है जो राजधानी देहरादून का परेड ग्राउंड है वो लोगों से लबालब हो गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो आंदोलन है वो अंकिता हत्याकांड को लेकर है और विधानसभा भर्ती मामलों को लेकर है, UK SSC में हुई धांधलियों को लेकर है, कई अधिकारियों के नाम अन्य अन्य जगहों पर आ रहे हैं उनको लेकर, कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी आज सचिवालय पूछ करने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि धामी की आज कैबिनेट बैठक आउट होनी है, उसी को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है, उसको लेकर भी प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जी लेकिन हितेश, अगर हम बात करें इस प्रदर्शन का मेन मकसद क्या है, क्योंकि मौजूदा समय में देखिए कुछ एक साल पहले भी चुनाव हुए और धामी सरकार ने जिस तरह से काम किया विकास को लेकर और पिछले कार्यकाल में ही बेहतर काम किया, तो माहौल ये क्या 2024 को लेकर बना रही है क्या कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस खेमे की अगर बात करें, कांग्रेस खेमा फिलहाल दो गुटों में बटकर रह गया, प्रीतम सिंह और हरीश रावत, तो कहीं ना कहीं इसमें वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस पार्टी में देखी जा रही है और लोकसभा चुनाव के चलते भी ये लड़ाई देखी जा रही है, क्योंकि प्रीतम सिंह बहुत ही कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, उन्होंने कई बड़े से आंदोलन किए, तो उसी को देखते हुए क्योंकि हरीश रावत का जो गुट है उसको दरकिनार करते हुए प्रीतम सिंह खुद बिना अध्यक्ष की मौजूदगी में ये बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है क्योंकि प्रीतम सिंह जब जब आंदोलन करते हैं तो कहीं ना कहीं आंदोलन बड़ा आंदोलन रूप लेकर गया है। जी जी शुक्रिया हितेश पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी का आज प्रदर्शन होगा, रांची से शुरू होगा आंदोलन और दुमका में ये आंदोलन खत्म होगा। हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, बीजेपी के बड़े नेता आंदोलन में शामिल होंगे, रांची से शुरू होगा आंदोलन और दुमका में खत्म होगा। हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है बीजेपी और उसी को लेकर यह प्रदर्शन रांची में, बीजेपी के बड़े नेता इस आंदोलन में शामिल होंगे। झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल आज। एक और बड़ी खबर, बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने 8 लोगों को कुचल दिया, सभी की मौत हो गई है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताया, परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया। बिहार के वैशाली में रविवार की रात करीब 9 बजे भीषण सड़क हादसा, ओझ खाकर पैदल लौट रहे लोगों को एक ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर और अभी भी 10 लोग वहां पर घायल बताए जा रहे हैं। घटना वैशाली जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की। लोगों को टक्कर मारने के बाद ट्रक पीपल के पेड़ से जाकर टकरा गया, जिसमें ड्राइवर स्टेयरिंग में ही फंस गया। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हादसा हुआ, परिवार की सदस्य जो वहां पर इस वक्त मौजूद है, कोहराम मचा हुआ अपनों को देखकर। ड्राइवर शराब के नशे में धुत था और उस समय गाड़ी चला रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ कहा यह जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ने भी इस घटना पर ट्वीट किया और दुख जताया। 50,000 रुपए की सहायता राशि घायलों को, 2 लाख रुपए की सहायता राशि उन परिजनों को जिन लोगों ने अपनों को खोया इस दुर्घटना में। सहयोगी संजीव लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। संजीव, ताजा अपडेट क्या है, फिलहाल जो घायल हैं उनकी स्थितियां कैसी हैं? पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति ने दुख जताया, बिहार सरकार क्या मदद कर रही है? संजीव देखिए, तो जो रविवार का दिन है बेहद ही 24 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। और जिस तरह से जो महनार में जो ये घटना घटी है, जो जानकारी मिल रही है कि देर रात 8 बजे जो महनार से जो वैशाली की ओर ट्रक आ रही थी, जो बस आ रही थी, उसमें कह सकते हैं कि जो अभी तक हमारे पास पुष्टि हुई 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अधिकतर जो है बच्चे हैं और 4 जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज PMCH में चल रहा है। अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया है मुआवजे का ऐलान किया है, 5 लाख राज्य सरकार से मुआवजे का ऐलान हुआ है, वही पीएम राहत कोष से भी 2 लाख रुपए ऐलान किए गए। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ राष्ट्रपति जो है इस देश के, उन लोगों ने बेहद ही दुख प्रकट किया है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे ट्रक में जिस तरह से रौंदा गए
और एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा जो माहौल था, एक पूजा का माहौल था, वहां पर पूजा का कार्यक्रम का आयोजन था जिसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे, और जिस तरह से तेज रफ्तार ट्रक ने एक तरह से कहे कि वहां पर जो एक घटना घटी है। नहीं बिल्कुल, देखिए संदीप, इन सड़क हादसों पर लगाम लगाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन लगातार ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं लोगों की मौत के। शुक्रिया पूरी जानकारी के।